कोटड़ा प्रधान सुगुणा देवी ने विद्यालय का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान सामने आई लापरवाही। प्रधान सुगुणा देवी खेर ने बताया कि कागवास, रूपड़ी व गोरिया विद्यालय का निरीक्षण किया। यहां निरीक्षण के दौरान शिक्षक बिना अवकाशी अनुपस्थित पाए गए। कहीं मिड डे मील पोसार तो नाम मात्र, सब्जी केवल नमक मिर्च का पानी पाया गया। प्रधान सुगुणा देवी खेर ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कागवास का निरीक्षण 11 बजे किया गया, जहां 2 में से 1 स्टाफ पाया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आजनी में 7 में से 2 स्टाफ अनुपस्थित मिले। बस उस समय का समय भी 11:30 बज चुके थे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रूपणी में 5 का स्टाफ है, लेकिन 2 स्टाफ ही मिले और बिना CL अनुपस्थित रहे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोरिया में 2 स्टाफ में से 1 स्टाफ अनुपस्थित पाया गया। बच्चों को टाइम पर खाना नहीं मिलने की शिकायत विद्यार्थियों ने प्रधान सुगुणा देवी से की। वहीं गोरिया विद्यालय में विद्यार्थियों ने शिक्षक की प्रतिदिन 2 बजे छुट्टी कर उदयपुर रवाना होने की शिकायत की। साथ ही विद्यालय में एक्सपायरी डेट का राशन पाया गया। प्रधान सुगुणा देवी के साथ निरीक्षण के दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री शिव कुमार दामा, ABBP के पूर्व सहमंत्री बनवारी लाल खेर भी मौजूद रहे। सर होते तो फिर नहीं रहता है कोई ना कोई, फिर बच्चों को क्या किया बोर्ड पे लिख सर। कभी काफी टाइम से नहीं, काफी टाइम बीच में आके आए थे तो बोलते थे बाकी 2 बजे बंद कर देते हैं। मैडम आप ये खाओगे क्या? बोलो हाँ। ये बच्चों के लिए आप जो खाना बनवा रहे हो आप खाओगे? मेरी दाल खत्म हो गई है। ये सब्जी देखो आप, हाँ, आप कह रहे हो सही है, लेकिन आज दाल खत्म हो गई तो फिर मैंने कहा इनको बोला, मैंने कहा आलू ये है क्या, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।